नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टेन न्यूज़। बिहार में तेजी से बढ़ती आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर सिवान जिले से सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर बाबर मियां को गोलियों से भून दिया। बाबर मियां की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल मौके वारदात पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अपराधियों ने शहर के चमड़ा मंडी इलाके में दिन दहाड़े बाबर मियां का मर्डर कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक बाबर मियां अपने इलाके में काफी चर्चित था। इसके ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। शूट आउट की खबर से सिवान में हड़कंप मच गया है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं सदर अस्पताल से। बताया जा रहा है कि बाबर मियां को अपराधियों ने दो गोली मारी है, जिससे मौके वारदात पर उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि लॉकडाउन है, वहीं दूसरी तरफ दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने बीच सड़क पर गोली मार दी। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ताबड़तोड़ अपराधियों की गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी कर रही है। आखिरकार बाबर मियां को किसने गोली मारी और उसकी हत्या किसके इशारे पर की गई, अब ये तो पुलिस जांच में ही सही से खुलासा हो पाएगा। थाना की जर्सी नाई के पास में बाबर अली नाम है इनका, थाना बीजेपी का घर है और वहीं पर इन्होंने अज्ञात अपराधी ने गोली मारा है। हम लोग सोचे हम इनका सदर अस्पताल में आए, देखे कि इनका डेट बच्ची पड़ा हुआ है। अब इनके घर वाले को सूचना दिया जा रहा है, वो लोग आएंगे तो इसको पोस्टमार्टम करा के घर पर। कहाँ की घटना है? एक घटना है सराय थाना जर्सी नाई के पास। नहीं, इस तरह का कोई व्यक्ति था ही नहीं तो कैसे जानकारी होगा? पुलिस लाई है, उसके बाद सदर अस्पताल ले गए थे। कहाँ के पहचान हो? ये डीजीपी आता था आवाज। खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।